नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर हैं लॉरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर कुल्लू, एचपी बोर्ड स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मार्च 2018 में ली गई जमा दो की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार परीक्षा परिणाम 70.18% रहा, जिसमें पूरे प्रदेश भर में आर्ट्स स्ट्रीम्स में 3 छात्राओं सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारत भारती की छात्रा रूपाली ठाकुर ने 4th स्थान, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर की छात्रा डिंपल सोनी ने 4th स्थान, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर की छात्रा चंद्रमाया ने 5वां स्थान हासिल किया। वहीं साइंस स्ट्रीम्स में 3 छात्राओं अम्बिशन क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल की छात्रा स्नेहा ठाकुर ने 3रा स्थान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारत भारती की छात्रा आरती ने 7वां स्थान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारत भारती की छात्रा मीनाक्षी बधवा ने 10वां स्थान हासिल किया। इसी के चलते कॉमर्स स्ट्रीम्स की सीनियर सेकेंडरी स्कूल तांदी की एक छात्रा आदित्य अरोड़ा ने 6ठा स्थान हासिल किया। कुल्लू की बेटियों ने अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल्लू जिले का नाम प्रदेश भर में रोशन किया। छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापक गणों व माता पिता को दिया। वहीं सीनियर सेकेंडरी कुल्लू साइंस स्कूल में भी जमा दो की परीक्षा परिणाम 98% रहा। हेलो, मेरा नाम स्नेहा ठाकुर है और मैं एम्बिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल में पढ़ी हूँ और मैं साइंस स्ट्रीम में 3rd पोजीशन आने पे मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचरों को देना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मेरे टीचरों ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए और हमें मतलब मोटिवेट किया, हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया और हमें हमेशा सही बात दिखाया, मतलब मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, मैं रूपाली ठाकुर। इस बार मैंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से 4th पोजीशन ग्रैब की है और मैं अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट देना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस प्रतिमा निरंजन देव शर्मा और प्रिंसिपल निरंजन देव शर्मा को, और एक स्पेशल थैंक्स जाता है जिन्होंने मुझे टीच किया आर्ट्स पे क्वालिटी के टीचर्स को, और आर्ट्स पे क्वालिटी के टीचर्स में से सुनीता मैम को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मेरी पेपर प्रेजेंटेशन माइनर मिस्टेक से लेके कैसे आपको किसी चीज़ को आंसर करना है, उन्होंने मेरी एक एक चीज़ पे ध्यान दिया। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, कैसा आंसर चाहता है, आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई। और स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छे बच्चे गंदे बच्चे तो हर जगह होते हैं, बट ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और वो कैसा आउटपुट दे रहा है। और अपनी फैमिली पे मैं आऊँ तो मेरे पेरेंट्स का भी बहुत स्पेशल रोल रहा है मेरी सक्सेस के लिए। मेरे मम्मा ने हमेशा से मुझे मोटिवेट किया है कि बेटा आपको पढ़ना है, लाइफ में कुछ बनना है और हमेशा ऊँचा देखना है। ये ऊँचे सपने देखने के लिए ही एक चीज़ मेरे अंदर ऐसी रही कि मैं इतनी मोटिवेट हुई कि आज मैं इस पोजीशन पे आ सकती हूँ। मैं आरती भारत भारती विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने 10th की परीक्षा में पूर्वी विज्ञान संकाय में 7वां स्थान हासिल किया है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने अध्यापकों और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी व अपने प्रधानाचार्य महोदय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हर कदम पे हमारा मार्गदर्शन कराया, हमें सही मार्ग दिखाया। मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे यही सीख दी है कि यदि अपने लक्ष्य को पाना है तो निरंतर प्रयास करते हुए अपनी गलतियों से सीखे और कभी भी अपना हौसला न रोकें। मैं मीनाक्षी बाजवा भारत भारती विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में विज्ञान संकाय में 10वां स्थान हासिल किया, जिसका पूरा श्रेय मैं अपने अध्यापकों परिजनों और शुभ चिंतकों को देना चाहती हूँ जिनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। मेरे टीचर्स मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन का सोर्स है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में पोटेंशियल है तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस हमेशा पॉजिटिव रहें, कंसंट्रेटेड रहें और अपने टीचर्स को हमेशा ध्यान से सुनें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, तो मैं डॉक्टर बनके देश की सेवा करना चाहती हूँ, भारत को एक नए मुकाम पर ले जाने में अपना योगदान देना चाहती हूँ। 2014 में संत रामपाल को हिसार से गिरफ्तार किया था। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और आश्रम के लोगों को जबरन बंधक बनाने के आरोप लगे थे, जिस पर उन्हें सजा सुनाई गई। इसी कड़ी में पूरे हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और संत रामपाल के समर्थकों ने
कुल्लू जिला में टिकरा बावड़ी से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकालकर नारेबाजी की। एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि संत रामपाल पर लगे आरोप झूठे हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द संत रामपाल पर लगे आरोपों को वापस लिया जाए। जो शोभा यात्रा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के हिमाचल प्रदेश से संबंधित अनुयाय निकाल रहे हैं, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है कि हम लोग जो है अपने के संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं, सत्रों का आश्रम बरवाड़ा कांड जो 2014 को हुआ था, 18 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में हम ये रोष रैली निकाल रहे हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो झूठे आरोप लगे हैं उनको वापस लिया जाए और संत जी को वाइजित बरी किया जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो 426 और 427 का जो आरोप लगा था उसमें लोअर कोर्ट से संत रामपाल जी महाराज वाइजित बरी हुए हैं। हमारे गुरु जी निर्दोष है जी, उनको रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। ये हमारे जो गुरु जी जितने मुकदमे चले हैं उनको वापिस ले और हमारे गुरु जी को बाहर करें, ये इसलिए बहुत दुखी है और इसलिए खुशी से ये रैली बार बार निकाल रहे हैं। आज यहाँ कुल्लू जिले में हिमाचल प्रदेश के हुए जनपदों के प्रतिनिधि हैं, संत रामपाल दास जी महाराज के समर्थक आए हुए हैं और उनकी शांतिपूर्वक देख रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में पूरे जनपद से शांतिपूर्वक अनुशासनात्मक तरीके से जो रैली निकल रही है, इसके अंदर ये मांग है कि संत रामपाल दास जी महाराज पर जो विभिन्न 2014 में बरवाला में करौथा में जो मुकदमे लगाए गए, झूठे मुकदमे लगाए गए, उनको पूरी तरह से वापस किया जाए। जो बरवाला आश्रम है वो भक्तों को वापस दिया जाए, जिससे वहाँ फिर से सत्संग हो सके और धार्मिक कार्य प्रति चल सके, ये मांगे हैं हमारी और इसके लिए आप देख रहे हैं पूरी तरह, क्योंकि हमारे पास उदाहरण है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद जी का बलात्कार जैसा संगीन अपराध का मुकदमा वापस ले लिया सरकार ने। आपने हरियाणा में पिछले दिनों देखा, जाट आंदोलन के दौरान जो सरकार पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया गया था, रेल की पटरियां उखाड़ी, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, बसों, स्कूलों, ट्रेन प्लेटफार्म इन सबको जलाया गया, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए गए, यूपी में 20,000 मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। तो ये तो संत है, इन्होंने समाज को बनाने का काम किया है, इन्होंने जातिवाद को खत्म करने का काम किया है। जो जाति के आधारित मुकदमे होते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा के मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों को जब वापस किया जा सकता है तो संत रामपाल दास जी के झूठे मुकदमों को वापस किया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और कबीर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। और राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में 24 अप्रैल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के 29वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2018 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य नंदलाल शर्मा द्वारा महाविद्यालय के बहुउद्देश्य हॉल में छात्र एवं छात्राओं को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में महाविद्यालय के प्राध्यापकों सहित लगभग 1,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर नंदलाल शर्मा ने कहा कि युवा छात्र छात्राओं को परिवहन के नियमों का पालन कर समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से वाहनों को निर्धारित गति सीमा में रहकर चलाने का आह्वान किया। मैं ये शब्द लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। डी पायरेट्स क्रू हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध डांस ग्रुप है और ये ग्रुप हिमाचल प्रदेश को अनेकों बार गौरवान्वित कर चुके हैं। ये हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व पहली बार इंडियाज गॉट टैलेंट 2016 के मंच पर कर चुके हैं, साथ ही अनेकों डांस कंपटीशन के विजेता भी रहे हैं। इन्हें यूट्यूब और डांस के लिए स्टेट लेवल पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इस बार डी पायरेट्स क्रू ने हिमाचल के इतिहास में एक और पन्ना लिख दिया है। आज तक सुना था कि बड़े शहरों में नामी डांसर हिमाचल में आए और सिखाए, लेकिन इतिहास में पहली बार हिमाचल से कोई ग्रुप पहली बार बड़े शहर में डांस सिखाने जा रहा है।
26 अप्रैल से डी पायरेट डांस गुरु महाराष्ट्र के धुले शहर में डांस वर्कशॉप लेंगे और 10 दिनों तक डांस सिखाएंगे। धुले शहर के डांसर्स भी डी पायरेट्स की इस वर्कशॉप में आने के लिए खासे उत्सुक हैं। डी पायरेट्स के लीडर नीतीश ने बताया कि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है और वे निरंतर अपने राज्य को गौरवान्वित करते रहेंगे। Hey guys, we are the D-Pirates Dance Crew from Kullu, Himachal Pradesh. And we are coming to your city, Dhule, Maharashtra for a 10 days dance workshop, which is organized by Center Stage Dance Academy. And this workshop starts on 26th of April to 5th May. जिसके बाद इसका ग्रैंड फिनाले भी होगा। सो गाइस, इस वर्कशॉप में आप बहुत सारी एडवांस चीजें सीखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इस वर्कशॉप में आइए और इस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाइए। और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ दीपेंद्र गिरी सर को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने हमें इस वर्कशॉप के लिए इन्वाइट किया। सो थैंक यू। जिला कुल्लू में 2018 पीपल जातर मेले की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले पीपल जातर मेले को लेकर ढालपुर मैदान में व्यापारी भी पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद कुल्लू ने भी प्लॉट आवंटन शुरू कर दिया और व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर दिया है।